हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ भेटकी फिश की काटा चचोड़ी। ये एक बहुत ही ऑथेंटिक बंगाली डिश है और इसमें हम भेटकी फिश की जो बोन्स है उसे बोन्स और हेड को यूज़ करके ये बनाया जाता है। सिर्फ भेटकी फिश ही बहुत हेल्दी नहीं होती है, भेटकी फिश के बोन्स भी बहुत हेल्दी होते हैं। फिश बोन्स में विटामिन ए, ओमेगा 3 फैटी एसिड और जिंक, आयरन, कैल्शियम ये सारे बहुत भारी मात्रा में होती है, तो हमें फ़िश बोन्स भी खाने चाहिए। तो देखिए, हमने ये ले लिया है फ़िश हेड्स और फ़िश बोन्स। वेट की फीले बनाने के बाद ये जो भी बाकी पार्ट्स बचा रहता है फ़िश का वो सारे यहाँ पे हमने ले ली है। और उसमें हम अभी 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून टर्मरिक डाल के इसको मैरिनेट करके रख देंगे आधे घंटे के लिए। अच्छी तरह से सॉल्ट और हल्दी को मिक्स कीजिए और इसको ऐसे ही रख दीजिए आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। और मसाले में हमें चाहिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। आप पेस्ट भी ले सकते हैं या फिर आप इसको कूट कर भी ले सकते हैं। और 2 टमाटर हमने लिए हैं, टमाटर को आप भी पेस्ट बना के लेना है। और सूखे मसाले में चाहिए हल्दी 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। और 1/2 टीस्पून हमें चाहिए गरम मसाला पाउडर, ये होममेड गरम मसाला पाउडर है। देखिए, कढ़ाई में हमने तेल ले लिया है। ये ऑयल में आपको काला कुछ दिख रहा होगा, ये एक्चुअली इसी ऑयल में मैंने पहले फ़िश फ्राई किया था तो वही फ़िश का कुछ रह गया, सॉरी मैंने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया। तो देखिए, अभी हमारा ये ऑयल जो है ये गर्म हो चुका है, तो इसमें हम अपने सारे फिश हेड और फिश बोन्स को फ्राई कर लेंगे। पहले हेड्स को फ्राई कर लीजिए क्योंकि हेड्स फ्राई होने में थोड़ा ज़्यादा ऑयल लगता है। तो ये देखिए, मैंने फिश को यहाँ पे अच्छी तरह से दे दिया है फ्राई होने के लिए। ये 2 फिश हेड्स को दे दिए हैं और अभी इसको इधर उधर उलट पलट के अच्छी तरह से फ्राई करना है। और ये हमने सेकेंड बैच का फिश भी डाल दिया है। इस रेसिपी में फिश को ना अच्छी तरह से एकदम लाल करके फ्राई करना होता है, तभी इसमें इसका टेस्ट अच्छा होता है। ये फिश हेड की, फिश बोन्स की चचड़ी है, मतलब ये थोड़ा ड्राई ड्राई ही अच्छा लगता है और इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। देखिए, हमारा फिश एकदम अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, तो अभी हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। सारे फिश को हम एक बर्तन में धीरे धीरे निकाल लेंगे और जो ऑयल बाकी था उसी में हम ऐड कर देंगे और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। और उसमें हम डाल देंगे अनियंस, स्लाइस किए हुए अनियंस, जो हमने 2 अनियंस स्लाइस करके रखे थे वही हम अभी ऑयल में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से एकदम गोल्डन होने तक भूनेंगे। गोल्डन हो जाए और सॉफ्ट हो जाए इसके लिए हम इसे अभी थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। थोड़ी देर हो चुकी है, देखिए हमारी अनियन जो है वो गोल्डन हो चुकी है। हम इसमें डाल दिए हैं कुटे हुए अदरक लहसुन का पेस्ट और अदरक लहसुन को भी हमें इसके साथ बहुत अच्छी तरह से भूनना है। इसको भी बहुत अच्छी तरह से तब तक भूनना है जब तक ना इससे ये अदरक लहसुन का रॉ स्मेल चला जाए। तो हमने अभी काफ़ी देर तक अदरक लहसुन को भून लिया है, इसका रॉ स्मेल जा चुका है। तो अभी हम इसमें डाल देंगे 2 टमाटर का पेस्ट। हमने जो मीडियम या थोड़ा सा स्मॉल साइज़ के 2 टमाटर लिए थे उसी का पेस्ट हमने मिक्सी में कर लिया है, वही पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। अब इस मसाले को ये टमाटर के साथ इसको बहुत देर तक धीमी आंच में या धीमी से मीडियम आंच पर इसको ढक करके धीरे 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 पकने देना है। हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं, थोड़े से पक गए हैं, तो इसको हम फिर से एक बार चला लेंगे और फिर से ढक देंगे कुछ देर के लिए पकने के लिए। अब जो टमाटर और अनियन है काफ़ी देर तक ये मतलब भून चुकी है, तो हम अभी इसमें हमारे सूखे मसाले डालेंगे। सूखे मसाले में हम डाल देंगे यहाँ पे पहले नमक, नमक हमने डाला है 1/2 टीस्पून और फिर हम डालेंगे हल्दी पाउडर, वो भी है 1/2 टीस्पून
और हम डाल देंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून और हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और ये सारे मसाले को इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स करके कुक करना है। इस रेसिपी में एक्चुअली हमें ये जो मसाले हैं इसको बहुत ध्यान से बहुत मतलब पेशेंस के साथ धीरे 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 धीमी आंच पर के धक धक के इसको पकाते रहना है, इसको बहुत टाइम से इसको भूनना है, उसी में इसका टेस्ट बढ़ता है। तो अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और देखिए हमारा जो मसाले हैं अच्छी तरह से भून चुका है। हम इसमें डाल दिए हैं 1 टेबल स्पून टमाटो केचप और 1 हरी मिर्च, ये ऑप्शनल है पर हाँ टमाटो केचप डालने से इसका टेस्ट जो है ये बहुत अच्छा आता है। तो ये अभी एकदम से भून चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप गर्म पानी। 1 कप गर्म पानी हमने इसमें डाल दिए हैं और देखिए हमारा जो मसाला है वो एकदम रेडी हो चुका है और इसमें अब हम सारे जो फिश हमने फ्राई करके रखे थे वो सारे एक एक करके डाल देंगे और अच्छी तरह से मसाले के साथ फिश को मिक्स कर देंगे, मसाले के साथ फिश को कोट कर देंगे और इसको ढक के 5-7 मिनट के लिए फिर से हम पकने देंगे। देखिए 5-7 मिनट हो चुका है, हम अभी फिश को थोड़ा पलट देंगे कि फिश के दूसरे साइड से भी सारे मसाले फिश में लग जाए। ये हमने फिश को अच्छी तरह से मिक्स कर करके यहाँ पे पलट दिए हैं और अभी हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ये होममेड गरम मसाला पाउडर है और इसे फिर से ढक देंगे कुछ देर के लिए ताकि गरम मसाला का जो एसेंस है ये सारा इसमें आ जाए। तो काफ़ी 2 मिनट हो चुके हैं अभी, मुझे लगा कि इसमें थोड़ा सा पानी कम है तो इसलिए मैं थोड़ी सी पानी और डाल रही हूँ। आप अगर इसमें थोड़ा ग्रेवी पसंद करेंगे तो इसमें आप थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। मैं आज इसको एकदम ड्राई बनाऊँगी तो इसीलिए मैं पानी कम कम करके यहाँ पर डाल रही हूँ। एक्चुअली ये जो रेसिपी है ये थोड़ा ड्राई ही बनता है, ऑथेंटिकली ये जो सब्ज़ी है ये थोड़ा ड्राई ड्राई ही अच्छा लगता है तो वो अपने आप खुद के हिसाब से आप कर सकते हो। अब देखिए हमारा जो रेसिपी है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है तो इसको हम अभी अच्छी तरह से एक मिक्स दे देंगे और बस फिर हमें इसको गर्मा गर्म राइस के साथ सर्व कर देना है भेटकी फिश की कांटा चचोरी।